हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीडोट्स। एंटीडोट्स क्या होता है, कैसे काम करते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलो हम आज एंटीडोट के बारे में पढ़ते हैं। एंटीडोट्स क्या होते हैं? एंटीडोट्स आर एजेंट दैट निगेट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन या टॉक्सिन। इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन या टॉक्सिन, कोई टॉक्सिन या पॉइजन या फिर किसी व्यक्ति ने कोई पॉइजन को ले लिया अपने शरीर में। जब पॉइजन जाता है तो उसके खिलाफ अपन क्या करते हैं, एक उसके विरुद्ध एक एंटीडोट्स देते हैं। एंटीडोट्स मीडिएट इट्स इफेक्ट आइदर बाई प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द टॉक्सिन बाई बाइंडिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द पॉइजन। देखो एंटीडोट्स कैसे काम करते हैं, या तो उसका लेवल निगेट मतलब न के बराबर कर देते, या फिर उसका लेवल मीडिएट करते। इफेक्ट आइदर बाई प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन, या तो उसका लेवल निगेट व न के बराबर कर देंगे, या फिर क्या करेंगे उसको एब्जॉर्प्शन को रोकेंगे। कैसे? एक बाइंडिंग, जिस जगह पे पॉइजन आया उसके बाइंडिंग में रोके और उसका लेवल कम कर देंगे। एंड न्यूट्रलाइज द पॉइजन, पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अपन पढ़ेंगे आज। सबसे पहला एस्प्रिन। एस्प्रिन, एस्प्रिन का एंटीडोट है सोडा बाई कार्बोनेट। सोडा बाई कार्बोनेट। दूसरा है एट्रोफिन। एट्रोफिन का फाइसो स्टिगमाइन। फाइसो स्टिगमाइन, ठीक है। तीसरा है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। चौथा है बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल, ठीक है। एस्प्रिन, सोडा बाइकार्बोनेट, एट्रोफिन, फाइसो स्टिगमाइन, बीटा ब्लॉकर, ग्लूकागॉन, बेंजोडाइजेपिन, फ्लूमाजेनिल। चौथा साइक्लोफोस्फामिन, मैसना। साइक्लोफोस्फामिन क्या है? मैसना। अब है डोपामिन, फेंटोलामाइन। डोपामिन, फेंटोला, फेंटोलामाइन। अगर डिजोक्सिन, डिजीबाइंड। डिजीबाइंड भी कह सकते हैं, या फिर डिजोक्सिन इम्यून फैब। इम्यून फैब। अब है ग्लूकोज, इंसुलिन। ये तो आप सबने पढ़ रखा होगा, रेगुलरली यूज होता है इंसुलिन। उसके हिपेरिन, रोटामाइन सल्फेट। रोटामाइन सल्फेट। आ गया इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ये कंफ्यूजन के दो है। कोई क्या करता है कि इंसुलिन का, जैसे ग्लूकोज का इंसुलिन तो इंसुलिन का भी ग्लूकोज होगा, ऐसा कुछ नहीं, ग्लूकागॉन है, ठीक है। ग्लूकागॉन, आइसोनियाजिड, विटामिन B6। विटामिन B6, आयरन, डेफ्रोक्सामाइन। डेफ्रोक्सामाइन, डेफ्रोक्सामाइन को क्या कह सकते हैं? चिलेसिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट। लेड पॉइजनिंग, लेड, कैल्शियम EDTA। लेड पॉइजनिंग है, कैल्शियम EDTA, या फिर जिसको डाइमर कैप्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइमर कैप्रोल भी कहते हैं। मॉर्फिन, नेलेक्सोन। मॉर्फिन, नेलाक्सोन, MgSO4, MgS, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट। मेथेनॉल, मेथेनॉल का होता है इथेनॉल। मेथेनॉल का होता है इथेनॉल। मेथोट्रेक्सेट, फोलिनिक एसिड। मेथोट्रेक्सेट, फोलिनिक एसिड। फोलिनिक एसिड। नियोस्टिगमाइन, एट्रोपिन सल्फेट। नियोस्टिगमाइन, एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। एट्रोपिन सल्फेट। पैरासिटामोल, एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन, इसका भी होगा एट्रोपिन, ठीक है। अगर एट्रोपिन का पूछ ले तब तो बोलना फाइसोस्टिगमाइन। एट्रोपिन का अगर पूछ ले तो आपको क्या बताना है? फाइसोस्टिग। लेकिन अगर पूछे कि नियोस्टिगमिन दोनों का एट्रोपिन, ऐसे नहीं कि आप एट्रोपिन सल्फेट का पूछ रहे और ये लगा रहे हो, ये ऐसा नहीं है। देखो अगर एट्रोपिन का पूछ रहा है तो आपको बोलना फाइसोस्टिगमाइन। अगर नियोस्टिगमाइन या ऑर्गेनो का पूछे तो आपको बोलना एट्रोपिन सल्फेट। अपन एक बार रिवाइज करेंगे। एस्पिन, सोडा बाई कार्बोनेट, एट्रोपिन, फाइसोस्टिगमाइन। ये मैं बार बार क्यों रिवाइज कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में, CHO हो या फिर नॉर्सेट, हर किसी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बीटा ब्लॉकर, ग्लूकागॉन, बेंजोडाइजेपिन, फ्लूमाजेनिल, साइक्लोफोस्फामाइड, मेसना, डोपामिन, फेंटोलामाइन, डिजोक्सिन, डिजीबैंडा, डिजोक्सिन इम्यून फैब, ग्लूकोज, इंसुलिन, हिपेरिन, रोटामाइन सल्फेट, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, आइसोनियाजिड, विटामिन B6, आयरन, डेफ्रोक्सामिन या चिलेसिंग एजेंट भी कहते हैं। लेड पॉइजन,
कैल्शियम एडिटे या फिर डाइमर कैप्रोल भी कहते हैं। मॉर्फिन नेलक्सोन, एमजीएस फॉर कैल्शियम ग्लूकोनेट, मेथेनॉल का होगा इथेनॉल, मेथोट्रेक्जेट फोलेनिक एसिड। नियोस्टिग्मिन एट्रोपिन सल्फेट है, पैरासिटामोल का एनएसिटाइलसिस्टीन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन का है एट्रोपिन सल्फेट। चार और बचते हैं जिसको भी हम अभी पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि ये टॉपिक छोटा है लेकिन एक दो क्वेश्चन देख ही जाता है, इसलिए हम किसी ऐसे टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आता और हम ना पढ़े। समय कम है लेकिन हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम एक से डेढ़ महीने में थ्योरी कर सकते हैं, उसके बाद में हमें एमसीक्यू करना है। ठीक है, ये हो गए हमारे 20, चार और बाकी है। स्ट्रेप्टोकाइनेज 21, स्टेप्टोकाइनेज एमिनो कैप्रोइक एसिड, स्टेप्टोकाइनेज एमिनो कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड, टेंसिलोन, एक टेंसिलोन टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, जिसको एड्रोफोनियम भी कहते हैं, एंड्रोफोनियम टेंसिलोन एड्रो, इसका भी है एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट नियोस्टिग्मिन को और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और टेंसिलोन तीनों का एट्रोपिन सल्फेट है। ठीक है, उसके बाद है यूनिवर्सल, जो हर किसी में अपन यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल है, जिसका नाम है चारकोल, आपने सुना होगा चारकोल। ठीक है, यूनिवर्सल है चारकोल। उसके बाद में लास्ट है वॉरफेरिन, वॉरफेरिन विटामिन के। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस एमिनो कैप्रोइक एसिड, टेंसिलोन जिसको एंड्रोफोनियम कहते हैं, एट्रोपिन सल्फेट उसका यूनिवर्सल चारकोल होता है, वारफेरिन विटामिन के देखने को मिलता है। ठीक है, ये थे हमारे आज के एंटीडोट। जय हिंद।